जयपुर शहर से उनसे बातचीत करें हमारे सहयोगी विकास। फैक्ट है, सच्चाई है, आज सामने आ जाएगी, जो होगा निर्णय सबके सामने होगा। 14 लाख मतदाता जो हैं उन्होंने मतदान किया है, जयपुर शहर के लिए मतदान किया है, क्या मानते हैं, कितने मत आपको मानते हैं, कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाती हूँ। जयपुर एक ऐसा शहर है जो भाईचारे का शहर है, जो विश्वास का शहर है, जो एक दूसरे के पर भरोसा करने का शहर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो छोटी काशी के नाम से जाता है उसमें गोविंद की कृपा पूरी बनेगी। जयपुर की जनता ने अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहू को पूरा मान सम्मान दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए जीत के रूप में वो एक महिला सांसद के रूप में अपनी इस बेटी को संसद में पहुंचाने का काम करेगी। एक बड़ी चौंकाने वाली जीत थी आपके जब महापौर बने थे, तो क्या मानते हैं वैसा ही कोई चौंकाने वाला परिणाम आएगा? आप परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। ज्योति खंडेलवाल को आप सुन रहे थे, वो नतीजों का इंतजार यहां पर कर रही हैं। पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, मेयर रह चुकी हैं, रामचरण मोहरा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही हैं। ब्राह्मण सीट इसको कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, क्या वो इसको भेद पाएंगी, बड़ा सवाल है। परिणाम